प्लान कुछ ऐसा कि हम जाएंगे जाके खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद हम जाएंगे बीच पे आके अपने पैर गीले करेंगे। ऑब्वियसली इतनी ठंड है, ठंड में नहाएगा कौन, तो हम करेंगे सिर्फ पैर गीले। बेसिकली पिकनिक का जो प्लान था ये कराची स्कूल ऑफ आर्ट की तरफ से था। इसके ऑर्गेनाइज़र कराची स्कूल ऑफ आर्ट थे, लेकिन पैसे हमने दिए हैं। तो बज रहे हैं सुबह के 5 और हम खड़े हुए हैं जाने की तैयारी में। वैन तो भाई काफ़ी देर के ट्रैवल के बाद हम लोग अभी किसी एक पॉइंट पे नाश्ता करने के लिए रुके हैं। अब बेसिकली जब कैसे कि कोई भी टूर होता है तो नाश्ते के लिए इनको यहीं पे रुकवाया जाता है। कहते हैं यहाँ का अंडा पराठा बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ट्राई करके देख लेते हैं। भूख तो काफ़ी लग रही है, लेकिन ठंड है तो ठंड में तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इमरजेंसी वाली चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले हम जाएँगे, उसके बाद आके खाएँगे। फौज तुम्हारी इतने उदास क्यों हो? ये तुम ये फेक हंसी फेक स्माइल तुम क्यों दे रहे हो यार? तुम बता, तुम्हें इतना जो मुस्कुरा रहे हो वो क्या गम है जिसे छुपा रहे हो? शेरवाना क्या सीन है सर? इनकी एक बहुत चहेती दोस्त है जो नहीं आई है, ही इज मिसिंग सर। यार इस वक्त जो है खाना खाने के टाइम पे ग्रुपिंग हो गई है। एक ग्रुप है हमारे पास देसी ग्रुप जो कि यहाँ पे बैठ के खाना खाना चाहता है, और एक है हमारा बर्गर ग्रुप। बर्गर नहीं, बर्गर बर्गर। और हमारे बर्गर ग्रुप में हमारे साथ कौन है? जुनैरा। जुनैरा जुनैरा आप क्यों नहीं बताएंगे अपना नाम? और हमारे साथ है नाजिश। नाजिश आप वहाँ पे बैठ के खाना क्यों नहीं खाई हमारे साथ? ये वहाँ पे आराम से बैठ के घर जैसे माहौल में खाया जाएगा। घर में डेली खाते, आज थोड़ा चेंज हो। क्या बात, आप कुछ बोले मलिया? मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं सुबह से जहाँ पे बैठी हूँ। यहाँ पे हीटर चल रहा है क्या? मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहीं पे बैठी हुई हूँ फिक्स। अच्छा, लेकिन मैंने एक देसी ग्रुप ही चूज़ किया है, तो मैं देसी ग्रुप में ही जाके खाना खाऊंगा। मुझे ऐसे बैठ के खाना खाना पसंद है। क्यों बॉयज? बिल्कुल बोलो बोलो। और फाइनली अब हमने नाश्ता कर लिया है, पेट पूजा तो हो गई। अब इसके बाद वापस से अब हमें कुंडमली की तरफ बढ़ना है। और अंडा पराठा बड़े मज़े का था यार, मज़ा आ गया। इस वक्त हमारे सामने खड़े हुए हैं मिस्टर जीशान, और जीशान साहब ने कहा है कि सर आप कोई अच्छा सा पोज दें, मैं आपकी पिक्चर्स लेता हूँ, आखिर मार्क्स तो फुल चाहिए ही ना। तो मैं इस वक्त बिल्कुल अजीब से पोजेस दे रहा हूँ। वैसे तो ये मेरा फर्स्ट टाइम ट्रिप है कुंडमलीर के लिए, तो मुझे आइडिया नहीं। यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग वो थे जो पहले यहाँ पे आ चुके हैं, और प्लान कुछ यूँ है कि हम यहाँ से पहले प्रिंसेस ऑफ होप जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा टाइम बीच पे स्टे करेंगे, बीच के बाद खापा, एक और खापा, ऑब्वियसली लंच तो करना है। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे आ गए जो कि प्रिंसेस ऑफ होप है। हमने सोचा था कि ये काफ़ी अच्छी जगह होगी। लिटरली ये सोचा था कि काफ़ी अच्छी जगह होगी। काफ़ी एक्साइटेड था कि इसके बारे में सुना था, ये इतनी खूबसूरत दिखती है, ये खुद ब खुद बन गई थी बारिश में, पता नहीं क्या क्या स्टोरी। बट ट्रस्ट मी, यहाँ पर आए हैं तो बस इसलिए बस थोड़ा सा करीब जा रहे हैं। आपको दिखा देते हैं प्रिंसेस ऑफ होप क्या है। वो एक आंटी खड़ी हुई ऊपर, आपको अगर दिख रही है, मैं जूम इन करता हूँ, ये रही वो आंटी, शी इज़ द प्रिंसेस ऑफ होप, जिनका नाम एंजेलिना जूली ने दिया था। एंजेलिना जूली ने जब पाकिस्तान विजिट किया था, बलूचिस्तान आई थी और यहाँ पर विजिट किया, तो उन्होंने कहा यार ये तो प्रिंसेस ऑफ होप, तो उनकी वजह से आज
हम इसको प्रिंसेस ऑफ होप कहते हैं, जिसकी कोई ख़ास लॉजिक नहीं है आई गेस, लेकिन अब आ गए हैं तो भाई देख लो। अच्छा बाय द वे इधर ट्रैकिंग का सीन है, ज़रा सी थोड़ी थोड़ी चट्टाने चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ता है, थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ती है, और ये देख कर मुझे काफ़ी डर भी लग रहा है, तो कोशिश करते हैं कि यहाँ से चले जाएँ। अबे कहाँ जा रहे हो तुम लोग यार, किस प्रिंसेस के पीछे जा रहे हो? मतलब लिटरली हाथ में अगर कैमरा, उसके बाद इस तरह के एडवेंचर करने का कोई मूड नहीं होता। या तो मैं इस होप को देख लूँ और होप करूँ कि मेरा कैमरा ना टूटे, तो बेहतर ये है कि फिर मैं यहाँ रुक के अपने कैमरे को प्रोटेक्ट कर लेता हूँ और प्रिंसेस को यहीं से हम टाटा बाय बाय कर देते। तो भाई मैंने आपको तो प्रिंसेस ऑफ होप दिखा दी, और मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं मज़ीद आगे तक जाऊँ, तो मैंने सोचा भाई वापस चलें और अपने टाइम को बचाएं, इससे अच्छा हम जाके वैन में बैठे हैं। बेकार है गैस, मुझे तो मज़ा नहीं आया। मलिया क्या आपको मज़ा आया? जी मुझे बहुत मज़ा आया। तुम्हें यहाँ पे मज़ा आया प्रिंसेस ऑफ होप पे? क्या अच्छा लगा? पिक्चर्स पे हम पिक्चर्स लेने। ओके यहाँ पे इतनी दूर हम पिक्चर्स लेने आए सिर्फ इस जगह की रोड की। व्हाट अबाउट प्रिंसेस ऑफ होप? प्रिंसेस ऑफ होप लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। नो इट्स नॉट। फर्स्ट तुम क्या कहते हो, कैसा रहा प्रिंसेस ऑफ होप का तुम्हारा? सर बहुत अच्छा रहा, प्रिंसेस देख ली पहली दफ़ा। मज़ा नहीं आया मुझे, बहुत बोरिंग है सिवाय इस रोड के। ये रोड बहुत अच्छा है, ये देखें ये रोड बहुत अच्छा है। ये फरवा ने बोला पत्थर उठा के मारा है। सही है, तो ये ऐसी अजीब सी इसने बात करी कि पत्थर अगर उठा के नहीं मारेंगे तो क्या पत्थर खुद आएगा? अच्छा वैसे अभी यहाँ से एक नानी माँ का मंदिर है, कौन सा एक मंदिर है, वहाँ पर जाने का एक प्लान था, लेकिन अब वो कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ इस मंदिर के बारे में मैं थोड़ा सा एक्साइटेड ज़रूर था कि कुछ डिफरेंट होगा, बट आई गेस अब हम वहाँ नहीं जा सकते। आई गेस पहले जो लोग आए उन्होंने कुछ उल्टा सीधा किया, इस वजह से अब वहाँ पे नहीं जा सकते। तो अब प्लान कुछ ऐसा है कि हम जाएंगे, जाके खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद हम जाएंगे बीच पे, बीच पे आके अपने पैर गीले करेंगे। ऑब्वियसली इतनी ठंड है, ठंड में नहाएगा कौन भाई। अब आगे का सीन ये है कि हम लोग होटल आए खाना खाने, और खाना अपना साथ लेकर नहीं आए बल्कि मीट हम साथ लेकर आए। तो हम लोगों ने 7 kg आई गेस चिकन ली थी, अब चिकन हमने यहाँ पे दे दी है, अभी हम एक अच्छी सी कढ़ाई बना के देंगे। अच्छा मुझे नहीं पता कि आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, बट मुझे लकड़ियों पे खाने बनने वाली चीज़ मुझे पर्सनली बड़ी पसंद है। मुझे बड़ा शौक है कि मैं कहीं बाहर ट्रैवल करूँ, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे मुझे सारी फैसिलिटीज़ ना मिलें, और उसके बाद मैं चूल्हे की जगह ये लकड़ी पे, और मुझे काफ़ी पसंद है लकड़ियों में खाना बनना, जो लकड़ियों की एक स्मेल है एक ख़ास, वो एक मतलब वो काफ़ी अच्छी लगती है। ओके तो फाइनली हम लोग खाना वाना खा के कुंडमलीर बीच आ गए। तो यार जिस तरह की धूप है उससे लग नहीं रहा कि हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा देर रुक पाएंगे, तो हमने कहा कुछ यहाँ पे थोड़ा सा बीच पे आके देख लें किस तरह का पानी है, क्या है। मैंने वैसे सोचा था कि मैं पानी में आऊँगा नहीं, सिर्फ पैर के लिए करने का प्लान था, वैसे पैर के लिए करूँगा, हाथ में फ़ोन है तो मैं अंजल को ज्वाइन करूंगा, अंजल खड़े हैं वहाँ पे। मछली जल की रानी है। जीवन उसका पानी है। वैसे तो मेरा नहाने का मूड था नहीं, लेकिन मैं पागल हो गया। आई नो मैंने पूरी पूरे वक्त ब्लॉग में डिसअपॉइंटमेंट की बात ही की है, लेकिन लिटरली इधर तो मजा आ गया। अब मैं एक्चुअली ब्लॉग खत्म कर रहा हूँ। दिस इज मोहसिन खान साइनिंग ऑफ। साइनिंग ऑफ, दिस इज मोहसिन। फक फिर नहीं आई।